कले रह गया बारो हर गया कले रह गया बार हो गया इंडिया नु पूछांगे हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे तेरे याद च रवा में गिनी दी कोहली तू चंगा नहीं कीता नो बाल करके हमें धोखा दिया। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम भाई, आपका नाम? नजफ अली। नजफ भाई, आपने देखा कि पाकिस्तान तो नैदरलैंड से जीत गया है लेकिन इंडिया सऊदी अरेबिया से हार गया, क्या कहना चाहेंगे? ये पता क्या कि पहले ही प्लान हो चुका था इंडिया का कि हमने हारना है, तो ये देखिए पिछले T20 मैच में जो दुबई में हुआ है ऐसे इंडिया के साथ भी हुआ था कि पाकिस्तान आगे चली गई थी तो इंडिया पीछे, वैसे फॉरन मैच में हार गई थी तो कोई नहीं, आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है ना, जो एशिया कप आ रहा है पाकिस्तान में, वो अच्छा खेली गई। तो विराट कोहली जो अच्छा बैट्समैन है, बड़ा अच्छा, तो बैड लक जा रही बाबर आजम की, इसलिए कोई नहीं बात नहीं। आज बड़ा जानबूझ के मैच आ रहा है इंडिया, मुझे दुख हुआ है, तो जान के कैच छोड़ रहे हैं, रन आउट कर रहे हैं, वैसे तो नहीं होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। आपने देखा पूरे मैच में विराट कोहली ने भी कैच छोड़ा है, बड़ा इजी कैच था, उसके बाद वो हंस भी रहे थे। वो एक जो जुएबाज होते हैं ना, वो पहले उसकी डिस्कस हो जाती है उनकी कि ये जान के रहेगी, उस चेहरे पे मुस्कुराहट होती है पे, उनको पता हो कि हमने हारना है आज मैच, अब हमको वैसे वो अप्रिशिएट करते हैं वैसे ही। आपको लगता है ये सियासी तौर पर हुआ है कि पूरी जो इंडिया की हुकूमत है उसने जानबूझ कर ऐसा करवाया कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से आउट करवा दिया जाए? ऐसे ही, क्योंकि दुश्मन मुल्क है वो, हमारा अच्छा सोच सकता है इंडिया, कभी भी नहीं सोचेगा, वो जान के आ रहा, तो मुझे पता था पहले ही, हमारे यही आपस में डिस्कस हो रही थी आज कि आज इंडिया हारेगा। आपका नाम क्या था? अली मीर। अली भाई, ये देखें आज साउथ अफ्रीका से इंडिया हार गया है, पहले बड़ा अच्छा खेल रहा था, अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था, फिर एकदम पता नहीं क्या हुआ, कैच छूट रहे हैं, कभी खिलाड़ी अनफिट हो रहे हैं, कीपर अनफिट हो गया उनका। ये अभी नजफ भाई ने आपको बताया कि ये पहले से प्लानिंग हुई थी, हमें भी पता था कि ये हारेंगे, पिछले जो एशिया कप हुआ है ऐसे पाकिस्तान ने भी उनको बाहर निकाला है, ये होता रहता है, ऐसे उनके पास चांस था, उनके पास नहीं था, इसलिए उन्होंने एक मैच हार के तो इनको बाहर कर दिया है, अभी उनके पास चांस है, अब इंशाल्लाह, और हम यही कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला अच्छा करे कि बांग्लादेश अभी इंडिया को हराए और इंडिया भी बाहर निकल जाए। हमें दुख हुआ है पाकिस्तान का, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में आ रहा है एशिया कप, इंशाल्लाह हम ही विन करेंगे, हमारी टीम विन करेगी। इंडिया ने तो कह दिया कि हम एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आएंगे खेलने, उसके बारे में क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, वो ना आए, उनके तब उनके वो भी करवा रहे हैं ना वर्ल्ड कप, हम भी नहीं जाएंगे, कोई मसला नहीं है, हम उनसे वो अकड़े हैं तो हम उनसे ज़्यादा अकड़े हुए हैं, कोई मसला नहीं। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से आउट होने के दुख में कुछ हमें सुनाना चाहेंगे आप? नजफ भाई से सुने, यादा ने मेहरबान दिया ने तेरे तो बगैर दस किंजी जीवा में तेरी याद च रवा मैं गिणदी तेरी याद च रवा मैं गिणदी एक एक तारा हुण नहीं गुजारा सारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरदा यार। हसारा तो इसलिए भाई डिस्टर्ब करे तो आ